हर हर महादेव। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी वक्त ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ चमगादड़ टापू में, जो कि यहाँ पर सभी प्रकार की अब आपको कांवड़ देखने को मिल जाएंगी। विशाल कांवड़, रथ कांवड़, झूला कांवड़ और अब तो यहाँ पर कलश कांवड़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो पानी की बोतल होती है ना वो वाली भी कांवड़ इस चमगादड़ टापू में मिल जाएंगी। जो पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पर कोई भी सारी व्यवस्था नहीं थी और अब यहाँ पर पूरी तरह फुल व्यवस्था हो चुकी है यहाँ पर, यानी कि सभी प्रकार की यहाँ पर कांवड़ मिल जाएंगी। और वो कांवड़ में दिखाते हैं कुछ किस प्रकार कांवड़ की मार्केट है। चलिए अभी हम आपको स्टार्टिंग से दिखाते ले चलते हैं चमगादड़ टापू कुछ किस प्रकार है। भाई देखिए, एक से एक सुंदर कांवड़ यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेंगी, और सामने की तरफ दिख रही होंगी जो पानी की टंकी होती है ना वो वाली कांवड़ भी यहाँ पर उपलब्ध है, और सभी प्रकार की यहाँ पर कांवड़ मिलना स्टार्ट हो चुकी है। पिछले साल यहाँ पर कुछ नहीं था ऐसा, यहाँ पर बस यहाँ मिलती थी तो पर यहाँ पर सामान कांवड़ झूला कांवड़ मिलती थी, पर अब की बार तो यहाँ पर भैया सभी प्रकार की यानी कि कांवड़ मिलना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अभी और आगे आपको ले चलता हूँ। देखिए सामने की तरफ दिख रही होंगी जो कि शिव जी की मूर्ति वाली कांवड़ है वो भी यहाँ पर मिल सकती हैं। भाई रथ कांवड़, पालकी कांवड़, झूला कांवड़, सामान कांवड़, कलश कांवड़ और पानी वाली बोतल वाली कांवड़, सभी प्रकार की कांवड़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए भाई सामने की तरफ कांवड़िया आपको दिख रहे होंगे जो कि परचेस करने के लिए यहाँ पर कांवड़ मार्केट में घूम रहे हैं। देखिए भाई वाह भाई वाह, इतनी सुंदर सुंदर कांवड़ है यहाँ पर, और कांवड़ यहाँ पर तैयार की जा रही है, पहले इतनी कांवड़ नहीं मिलती थी। चलिए आइए मैं अभी आप और आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। आइए देखो भाई क्या सुंदर सुंदर कांवड़ है, और देखिए शिव जी की मूर्ति रखी हुई है सामने, आपको दिख रही होंगी एक से एक बढ़कर। देखो भाई सामने तरह आपको दिख रही होंगी सुंदर से सुंदर कांवड़, जो कि झूला कांवड़ रखी हुई है, रथ कांवड़ और ये हमारी पालकी कांवड़, रथ कांवड़ ही है, पालकी कांवड़ आ गए हैं। और देखिए यहाँ पर कांवड़ तैयार की जा रही है भाई, यहाँ पर देखिए सामने दिख रहे होंगे छोटे छोटे जो कि भोले बाबा की मूर्ति हैं, इनको भी कांवड़ में यूज किया जाता है, इनको भी उठाने के लिए आते हैं। देखिए भाई इतनी सुंदर सुंदर कांवड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है भाई। देखिए सामने को सामने दिख रही होंगी आपको जो है पालकी कांवड़, ये देखिए वाह भाई इतनी सुंदर कांवड़ यहाँ पर तैयार की जा रही है। पिछले साल इतनी कांवड़ यहाँ पर नहीं मिलती थी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा हुआ है। और पार्किंग की बात किया है चमगादड़ टापू, यानी कि यहाँ पर पार्किंग भी उपलब्ध है। यहाँ पर जैसे आप बड़ी गाड़ी या डीजे वीजे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, और पार्किंग पहले भी थी पर वो इतनी व्यवस्था नहीं थी, पर अब तो आगे जो पंडित पार्किंग है वो भी व्यवस्था ठीक हो चुकी है। चलिए मैं अभी और आगे भी चलता हूँ इस तरफ। आइए देखिए सामने तरह आपको दिख रही होगी कांवड़ तैयार की जा रही है, जो कि है पालकी कांवड़। देखिए शिव जी, वाह भाई वाह, एक सुंदर सुंदर कांवड़ देखने को मिल रही है यार। सामने आपको दिख रही होंगी झूला कांवड़, देखिए वाह, देखिए कांवड़ तैयार की जा रही है झूला कांवड़। देखिए क्या अद्भुत कांवड़ है भाई, कांवड़ की पूरी सबसे बड़ी मार्केट यहीं पे, कहीं पर नहीं जाना है तुमको, छोटी से लेके हर बड़ी कांवड़ मिल जाएगी आपको यहाँ पर। जैसे सामान कांवड़ रही, की कांवड़ रही, रथ कांवड़ रही, कलश कांवड़ रही, सभी प्रकार की कांवड़ यहाँ पर मिलने वाली है, और आसानी से आप यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। मैं बता दूँ आपको, जैसे कि अगर आप शिव जी की मूर्ति के पास में आइए, वहाँ से थोड़ा आगे आइए ऋषिकेश की तरफ, वहाँ से कट गया है भीमगढ़ा की तरफ, तो उस तरफ मुड़िए और वहाँ से सीधे चमगादड़ टापू दिख जाएंगे। कांवड़ी से कांवड़ इतनी सारी दिख जाएंगी कि आप पहचान लोगे पहले से ही, इतनी सारी कांवड़ दिख गया। और मैं आगे दिखा चलता हूँ, देखिए सामने दिख रही होगी सबसे बड़ी कांवड़ भाई, सबसे ऊंची और सबसे बड़ी, बोल शंकर भगवान की जय। देखो भाई तो चमगादड़ टापू में आपको एक से एक बढ़कर कांवड़ मिल जाएगी, छोटी ले से लेकर हर प्रकार की कांवड़ मिल जाएंगी। पहले क्या हर की पेड़ी जाओ, अपर मार्केट जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चमगादड़ टापू आओ और यहाँ से कांवड़ खरीदो, जो कि सभी प्रकार की सामान कांवड़, झूला कांवड़, रथ कांवड़ और कलश कांवड़ भी यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो चुकी है, और
बहुत ही माहौल चेंज हो चुका है। सुंदर 2223 में काफ़ी सारा माहौल अलग था और 24 में पूरा माहौल चेंज हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो हमारे आने वाली वीडियो होगी वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मिलते हैं हम ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू। और बड़े